हेलो गुड इवनिंग एवरीवन सभी को वॉइस क्लियर है एक बार कंफर्म कर दो तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यस मैम यस मैम यस क्लियर है तो आप एक एक करके सब अपने डाउट को पूछ सकते हैं गुड इवनिंग ताकि बाकी और ज्वाइन होते रहेंगे मैम मेरा डाउट ये है कि जैसे मैंने ना एग्जाम फॉर्म भर दिया है इग्नू का और उस टाइम पे जब एग्जाम होने का टाइम है ना उस टाइम में मुंबई में होगा इलेक्शन में ड्यूटी लगी है तो फिर क्या पॉसिबल हो सकता है कि मतलब एग्जाम फॉर्म दोबारा भर के मुंबई में मतलब पोस्ट तो, तो, चेंज एग्जाम सेंटर चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते उसमें मैंने एग्जाम सेंटर दिल्ली डाला है नागलोई क्षेत्र का मुझे उम्मीद थी कि मैं छुट्टी आ पाऊंगा तो सेंटर चेंज कर सकते हो आप सेंटर चेंज का तरीका क्या होगा फिर मैम वो मैं आपके अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगी कैसे चेंज कर सकते हैं आप तब कर सकते हो ठीक है ठीक है थैंक यू मैम मेरा मेन डाउट यही था मेरा सबसे मेन तो ओके वर्षा बहन आप भी पूछो दीदी का डाउट है मैम क्या आपके बार पी पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है अच्छा जितने भी नए सेशन है वो बात कर रहे हैं ना यानी सेशन जून 2023 और आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हेल्पफुल है, है या नहीं बिल्कुल yes, आ सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स हमारे चेंज हुए या फिर कुछ ही चैप्टर्स ऐड हुए हैं तो वो तो क्वेश्चंस आएंगे इसमें तो कोई डाउट है नहीं बाकी आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने क्लास में भी कहती हूँ असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो और वहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको ठीक है और अभी तक मे भी किसी ने सबमिट कर भी दिया होगा किसी ने नहीं भी किया होगा तो आपको उसकी पीडीएफ बनाकर अपने पास भी रखनी है ताकि आप उसको रीड कर सको आपके नोट्स के तरीके से काम आएगा ये नहीं है कि हमने असाइनमेंट बना लिया और सबमिट कर देंगे तो वो सेम चीज़ आप एग्जाम में भी लिख सकते हो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे तो प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करोगे तो लास्ट फाइव इयर्स के आपको पता होने चाहिए लेकिन वो भी चेक कर लेना कि आपके नए सिलेबस में वो चैप्टर्स हैं या नहीं वैसे वो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी तब वहाँ से देख सकते हो मैम एमएसए 105 एंड 107 इज टोटली डिफरेंट वन जीरो फाइव और वन जीरो सेवन की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही बुक्स में इंडियन इकोनॉमी के बारे में यानी आपके भारत के आर्थिक सिचुएशन जो होती है ना उसके बारे में बट इसमें क्या है एम एच आई वन जीरो फाइव में आप एंशंट और मेडिएबल को कवर करोगे और वन जीरो सेवन में इन्होंने मॉडर्न को कर दिया तो पहले आपको देखने को मिलता है ये सिर्फ वन जीरो फाइव था लेकिन अब इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया तो अब और okay, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा माम आपने एक वीडियो में बोला था एमएचआई तो फाइव जो पहले था लेकिन अब तो चलो दो बुक्स में सेपरेट हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अब रिपीट हो सकते तो अभी मैंने आपको बताया ना आपको मैं बताऊंगी कि फाइव और सेवन में अब तक किस ब्लॉक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते जो आएंगे आपको पढ़ना है बट वो तो वीडियो में बताऊंगी ठीक है okay, एग्जाम डेट सीट अभी भी चेंज हो सकती है क्या अब कोई चांस नहीं है एक बार ही होती है मुश्किल से और अगर होगी तो आपकी नहीं होगी और ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी बट आपको अब एग्जाम की प्रिपरेशन इसी डेट के अकॉर्डिंग ही करनी है और किसी को कुछ नहीं पूछना हेलो मैम आज असाइनमेंट्स आए थे तो कुछ पेपर्स पर में थे तो आप आ गए हैं सर लेकिन उन पे जनवरी 2024 लिखा है सेशन तो मैम वो हमारे लिए भी है जुलाई के लिए भी अच्छा असाइनमेंट असाइनमेंट की बात कर रहे हो ना जी जी मैम देखो असाइनमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था वो इन्होंने इस तरीके से जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसीलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने बाकी के तीरह असाइनमेंट लेट अपलोड किए जो भी जून सेशन के थे ना उनके लिए इसीलिए वो दोनों ही सेशन मतलब जून सेशन और जनवरी दोनों को सेम असाइनमेंट बनाना है बट जो जून सेशन के होंगे वो अप्रैल तक अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे और जिसका जनवरी सेशन है वो अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं उन्हें अभी नहीं असाइनमेंट बनाना कुछ भी नहीं करना वो बाद में करना है ठीक है मैम जो तीन आज... लिस्ट अपलोड हुए ना यस yes. उन पे लिखा नहीं है कि मतलब जुलाई 2023 लेकिन वो हमारे लिए भी सेम है बिल्कुल सेम है आपको भी वही बनाना है अच्छा डियर अप्रेंटिस सबमिट करते हैं हां वही सेम आपको बनाना है ठीक है और वही सबमिट भी करना है, है मैम एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर यूजफुल हैं क्या बिल्कुल यूजफुल है आप कर भी सकते हो ओके थैंक यू ठीक है जो फाइनल डेट शीट है आई थिंक अभी ग्रुप में किसी ने वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो हमने कम्युनिटी बनाई है ना व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप वहां चेक करोगे तो किसी ने वहां पर शेयर किया वही है वही फाइनल डेट शीट है यस मैम गुड मॉर्निंग मैम मैं नैना बात कर रही हूँ मैम मुझे थोड़ा डाउट था तो क्या आप प्रेयर करेंगे मैम ये सेशन ही इसीलिए रखा है ना आई थिंक हाँ मैम मुंबई और मैंने जो एग्ज़ाम सेंटर डाला है वो मैंने डेली का डाल दिया है। और मैम मैं जब मैंने फॉर्म फिल करा था उस दिन मेरा ये डिसाइड था कि समर वैकेशन होंगे तब तो मैं दिल्ली आकर वहाँ पर एग्जाम दे लूँगी क्योंकि मैं स्कूल यहाँ पर प्राइमरी टीचर हूँ मुंबई में फिर मैं <coughs> बट मैम मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर दिया और मेरे यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी लग गई और इंडक्शन भी मे भी हो सकता है मैम प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं तो मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी और मेरा एग्जाम देना भी नहीं हो पाएगा मे भी तो मैम ऐसे में क्या करा जाए जिससे मैं एग्जाम मिस ना कर पाऊँ अभी आपने कहा कि आप शायद एग्जाम भी ना दे पाओ तो अगर आप अभी नहीं दे सकते तो दिसंबर सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हो यहाँ पर आप लोग एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम सब्जेक कोई -कोई सब्जेक कर, कर देते, देते या दो ही सब्जेक्ट के मैम मैंने सारे एग्जाम के मैंने फी पेमेंट कर चुकी हूँ अब देखो वो आपने कर दिया वो कोई बात नहीं बट कभी कभी क्या होता है कि हम पे तो कर देते हैं बट हमारे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम नहीं दे पाते तो आप नेक्स्ट टाइम दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी दोगे तब दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है यहाँ पर ये नहीं कि हमने एक बार पे किया तो दोबारा नहीं करना होता दोबारा फिर से पेमेंट करनी होगी एग्जाम फॉर्म में आपकी चॉइस है एग्जाम कब देना है नहीं देना वो आपकी चॉइस बस आपको क्या करना है आपका पता नहीं अगर फोर टू फाइव इयर्स में आपको बस अपने मास्टर्स को कंप्लीट करना होता है इतनी वैलिडिटी होती है अब आपकी चॉइस कि आप कब तक करो ठीक है मैम मैं इसी आ, मैं ये जून में ही देना चाहती हूँ तो कि ये पॉसिबल है कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा फिल हो जाए तो आप सेंटर चेंज कर सकते हो हाँ जी मुझे सेंटर ही चेंज करना है तो अभी सेंटर ठीक है।, है तो अभी कैसे सेंटर चेंज कर सकते हैं इसके लिए मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगी आप वहाँ से देख लेना ठीक है मैम uh, यस और राइटिंग टिप्स इन एग्जाम ओके अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ, बट यहाँ पर मैसेज में भी कुछ डाउट्स है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं ओके okay, मैम अच्छा असाइनमेंट में तो जैसे कि कई बार हमने डिस्कस किया है तो यहाँ पर अगर असाइनमेंट आपने प्रिपेयर किया तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेटली हमें क्या करना है उसको टाई करना है और किसी एक फोल्डर में आपको उसको डाल के तब सबमिट करना है अलग अलग फाइल नहीं बनानी इसमें इसकी कोई नीड नहीं होती ठीक है रही बात असाइनमेंट सबमिट करने के बाद मैसेज आता है तो आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया था और एक का डाउट है कि बिल्कुल जिसका नया सिलेबस है तो वो ओल्ड सिलेबस के भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है टॉपिक भी सेम है बस यहाँ पर कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ चैप्टर डिडक्ट हो गए हैं तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं तो प्रीवियस ईयर भी करके जा सकते हो तो आपको एक आइडिया रहेगा ना कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से कौन कौन से मैक्सिमम इन पाँच सालों में हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो वो भी आप कर सकते हो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ठीक है हाँ, पूछो अभी आपने बोला ना कि हमें चार साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है यस तो, अग... तो जब मतलब डिग्री की सर्टिफिकेट मिलती होगी तो उस पर लिखा होता है फिर ज्वाइनिंग सेशन क्या था और कंप्लीट हम लोग कब करते हैं यस yes, उसमें तो आपका शो करेगा ना कि आपका जितने बस यही है कि वैलिडिटी आपको दे क्योंकि देखो किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है वो तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है तो वो नहीं दे सकते तो यहाँ पर ये यह है कि आपका ये ना हो कि आपको दोबारा से मास्टर में एडमिशन लेना पड़े तो सब कुछ वही प्रोसीजर सबकी फीस खराब हो जाएगी तो इसीलिए इग्नू में यही चीज होती है कि हमें कुछ टाइम का वैसे तो हमारे मास्टर्स टू इयर्स का होता है बट अभी तो चलो जो भी नए कोर्स के स्टूडेंट है उनकी वैलिडिटी तो फोर ईयर की है ओल्ड वालों की अभी भी फाइव ईयर है क्योंकि पहले ये पांच साल की वैलिडिटी थी अभी उन्होंने चार कर दिए मतलब कैसे भी करके अभी मास्टर्स में कंप्लीट करना होता है जैसे ही हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा मे बी आप में सेकंड ईयर में भी होगा तो डिग्री आपके घर पे दो से तीन महीने में ही आ जाती है। तो ये भी एक चीज और कि आप, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मैं अपने तरफ से बताऊ वैसे कोई पूछते हैं देखो यहाँ पर क्या होता है कि किसी किसी के एग्जाम मान लो कि यहाँ पर कोई होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा बट आपको लगता होगा कि मार्क्स आपके अच्छे नहीं है ठीक है और आपकी कोशिश है कि आप सेकेंड ईयर में मतलब उस सब्जेक्ट को दोबारा से देना चाहते हो ठीक है तो कोशिश करना कि वो एग्ज़ाम पहले ही दे दो क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या होता है कि टीचर्स जैसे इग्नू के टीचर्स भी अगर आपके पास कांटेक्ट में होंगे तो वो भी आपसे क्या कहेंगे कोई बात नहीं पहले सेकंड ईयर का एग्जाम दे लो फिर अगर आपको किसी भी री एग्जाम देना हो किसी भी एग्जाम का आपको क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं लगे तो देते रहना तो उस पर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर हाथ में डिग्री आ गई तो हम दोबारा से एग्जाम तो नहीं दे पाएंगे ठीक है तो कोशिश करना सेकंड ईयर के एग्जाम के साथ-साथ या उससे पहले ही अपने एग्जाम को दे देना ठीक है गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम मैंने तो सबजेक्ट प्लस किया था तो और मैं क्या करूं नहीं डियर आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई ब्रेक हुई तो क्लियर नहीं हुआ आपके डाउट मैंने चार सब्जेक्ट की फॉर्म फिल की थी ओके okay. तो दो सब्जेक्ट की नहीं की तो अब मैं क्या करूं तो आपको उन दो सब्जेक्ट का भी पे करना है अभी क्या हो सकता है अगर आपको करना है तो कर सकते हो अगर नहीं करना है हाँ करना चाहो तो कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते और अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसमें भी दे सकते आप... और ये तो ये हो और नोट्स है देखो पहले एक चीज एक समझो आप सभी दो... एक सेकेंड एक सेकेंड दो, दो बुक नहीं आए दो बुक नहीं आए हाँ फाइव और सेवन नहीं आए पहले मेरी आप सभी एक बात समझो अभी देखो ये हमारा फर्स्ट टाइम न्यू सेशन है मतलब नया पूरा नया सिलेबस है और यहाँ पर हमें पता भी नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा बट हम एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि चलो एक असाइनमेंट्स आस, हुए और आपके कुछ ईयर के थ्रू हम एग्जाम को दे सकते हैं तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है मतलब जिसको है कि हाँ हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो आप दे सकते हो तो आप सभी सिक्स सब्जेक्ट के असाइनमेंट को फिल आई मीन एग्जाम फॉर्म को फिल कर दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मत दो एग्जाम मैं तो यही सजेशन दूंगी क्यों क्योंकि देखो अभी आपका जून में एग्जाम होगा जो जून सेशन के फिर आपका नेक्स्ट ईयर होगा ना जून में होगा यानी दिसंबर में आपके पास बीच में टाइम होता है तो आप चाहो तो अभी जो एग्जाम नहीं दे पा रहे वो आप दिसंबर में दे सकते हो क्योंकि बाय चांस ऐसा ना हो कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए या गलती से बाय चांस बैक आ जाए तो क्या करेंगे उससे अच्छा है कि हम एग्जाम ही ना दें क्योंकि दिसंबर में तो आप फ्री रहोगे ना उसमें तो आपको कोई एग्जाम देना नहीं होगा तो बेटर है क्योंकि एक साल बाद ही दोगे ना ऐसा तो है नहीं कि हम सेकंड ईयर का दिसंबर में ही दे देंगे तो उससे बेटर है कि सारे सब्जेक्ट को मत देना दिसंबर में जो भी आपने पेंडिंग छोड़ा होगा ना एग्जाम तो वो दिसंबर में कर लेना फिर नेक्स्ट ईयर मतलब जून में आप सेकेंड ईयर का भी दे सकते हो तो क्योंकि अभी तक हम बाकी और अदर यूनिवर्सिटीज में करते हैं तो क्या होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट एक साथ एग्जाम देने ही होते हैं बट यहाँ इग्नू में यही चीज के आपको फायदा है कम मार्क्स आए बैक आए उससे बेटर है कि हम उसे ना ही दें अगर आपको प्रिपरेशन नहीं है तो अदरवाइज दे सकते हो आपकी चॉइस है ओके okay. मैम मैम से हमें जो नहीं जो एग्जाम देना है तो हम वही फॉर्म फिल कर लेते हैं यस yes, तो यही मैंने आपको कहा ना कि जिस भी सब्जेक्ट में आप पूरे शोर हो कि ये मुझे इसकी प्रिपरेशन है और मैं इसके लिए तैयार हूँ सिर्फ उसी का एग्जाम फॉर्म भरो ठीक है उसी फिल करो बाकी के मत करो क्योंकि फिर आपके पैसे खराब होंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे हेलो ओके मैम मुझे एक प्लीज आप मुझे बताएं कि मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा नहीं है मैम तो उसकी लास्ट डेट मुझे सुनने में आया था कि अप्रैल में बढ़ गई है जिसमें हमें एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करना पड़ेगा वन क्या डेट है प्लीज आप मेरी बात समझ पाए यस यस मैंने सुन लिया आपके डाउट कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है हुँ. और यहाँ पर किसी ने पूछा अभी आप तीन सब्जेक्ट के आई I mean, एग्जाम दे सकते हो बाकी के तीन सब्जेक्ट के आप दिसंबर में बिल्कुल दे सकते हो ठीक है गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम मैं लेट पर हुई थी डाउट सेशन में तो मेरे को ये डाउट है कि आप ये क्लियर कर दो मेरे को कंफर्म हो जाए कि मैंने टू थाउजेंड जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है हिस्ट्री से प्रोग्राम कोड हिस्ट्री तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि हमारे जो एग्जाम होंगे वो एनुअल होंगे या सेमेस्टर बेस्ड होंगे सेमेस्टर बे, अगर हमारे एनुअल होते हैं तो हमारे जो फॉर्म है उस पर सेमेस्टर बेस्ड क्यों तो लिखा हुआ है हाँ, ये तो बहुत ऐसे डाउट तो बहुत है लेकिन उससे पहले जो एग्जाम फॉर्म जिसने पूछा है ना लास्ट डेट वो ट्वेंटी टू अप्रैल है ठीक है उसके बाद अगर क्योंकि अब ये डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे अब आपको इसके बाद अगर जिसने भी बाईस अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया तो फिर एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी तो बेटर है कि उससे पहले ने ही ने अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर लेना ठीक है मैम मेरा ये डाउट नहीं है मेरा ये डाउट है कि हाँ मैंने सुना आपके डाउट बट आपसे पहले किसी का डाउट था उसे क्लियर कर रही थी अब आपकी बारी है यहाँ पर अब आपके एग्जाम जो है वो एनुअली ही होंगे सेमेस्टर से उन्होंने मेंशन किया है ठीक है okay, okay, क्योंकि इन्होंने अब आपके दो सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया है पहले सिर्फ फोर सब्जेक्ट होते थे हाँ okay. जी और मैम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे एग्जाम के लिए सिलेबस आपको ऑलरेडी ग्रुप में होगा टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी अपलोड है नहीं तो वैसे है अपलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा गुड इवनिंग मैम मैम मुझे ना 104 का टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है जो पेड क्लासेस वाले हैं वो उनके डाउट तो अभी हम देखेंगे वो आप पर्सनली पूछ लेना वैसे डाउट कर ले गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम मेरा डाउट मैम ये है कि मैम मैं एग्जाम दिसंबर में देना चाहता हूँ तो मैं असाइनमेंट मतलब सितंबर में जब वो जमा होगी मैं तब कर सकता हूँ क्या आपका सेशन कौन सा से, जनवरी सेशन है नहीं नहीं मैम जून दो है सेशन है

तो मेरा एग्जाम लगा हुआ तो इसीलिए मैं एग्जाम्स जून वाले नहीं दे पाऊंगा तो असाइनमेंट में टाइम लगेगा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं सितंबर में उधर असाइनमेंट जमा कर दूंगा एंड देन दिसंबर में एग्जाम दे दूंगा तो ये पॉसिबल है कि नहीं मैम हाँ बिल्कुल है असाइनमेंट तो भी हम आगे सबमिट कर सकते हैं बट लेकिन उसके लिए अपना सेशन फिर आपको सही लिखना और असाइनमेंट वही बनाना जो आपके सेशन के अकॉर्डिंग होता है

यस yes, यस yes, पूछो पूछो सब पूछो एक्चुअली एग्जाम फॉर्म फॉर्म सबमिट करने के बाद जो जो लिंक आता आता है 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 पेज उसमें उसमें हमारा हमारा टेंटेटिव टेंटेटिव एड्रेस दिया होता तो क्या क्या भी चेंज होने का मतलब रहता कि सेंटर हमने फिल किया यूनिवर्सिटी खुद चेंज कर सकती है या नहीं, नहीं वैसे, लिखा है हाँ वो तो है वो उनकी चॉइस है क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो भी जाता है वैसे रेयर होता है ऐसा जो आपने डाला है वही होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उस मान लो उस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज में अगर हम देखेंगे तो उसमें सीट अवेलेबल नहीं होती तो वो चेंज कर देते हैं वैसे वो नहीं करेंगे ऐसा बहुत ही रेयर होता है अगर होगा तो ओके मैम गुरनीत कौर आपने क्या डाउट पूछा है में में देना पड़ेगा दिसंबर एग्जाम दे सकते हैं अभी तो बताया मैंने आपको मैम एग्जाम राइटिंग टिप्स बता दूं एक बार हाँ वो लास्ट में पहले इससे पहले जो और कोई डाउट है फिर उसी की बात करेंगी फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगी ना आपको कि क्या क्या हो सकता है बाकी जब तक आप जिसको जो जो पूछना है वो पूछ सकते हो एग्जाम से पहले एक और डाउट सेशन में रख लूंगी जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी दिखाऊंगी कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखा जाता है या जिसने जैसे लिखे तो स्कोर किस तरीके से आए तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी अभी तो आपके पास टाइम है दो महीने का तो पढ़ सकते हो तो और किसी को हाँ पूछो पूछो मैम मैंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया और असाइनमेंट भी सबमिट किया लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं आया है ऑनलाइन असाइनमेंट आपने आपका जो सेंटर था उसमें ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन था नहीं मैम ऑफलाइन तो ऑफलाइन में तो वो उसमें मैसेज नहीं आते तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप वहाँ पे सबमिट करने गए होंगे तो आपसे रजिस्टर पे साइन करवाया होगा उन्होंने करवाया था जी मैम तो मैंने आपको मैंने कई बार वीडियोस में और जो क्लासेस में होते तो मैंने उन्हें भी बताया था कि आपको जो आपसे रजिस्टर पे साइन करवाते हैं उसकी फोटो आपको लेकर अपने पास रखनी होती है बाकी वो हो गया कंफर्मेशन वो साइन इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी होता है असाइनमेंट सबमिट भी हो जाता है बट वो लोग कहते हैं कि आपने किया नहीं तो उस च्योरिटी के लिए हम उस फोटो को अपने पास रखते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता जी मैम ठीक है और रही बात अभी आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पूछा था असाइनमेंट के फिर मार्क्स कब देखो अभी आप एग्जाम दे दोगे आपके एग्जाम के मार्क्स पहले आ जाते हैं असाइनमेंट के मार्क्स आपके जस्ट अभी एक साल बाद आएंगे अभी आप सबमिट कर रहे हो अप्रैल चल रहा है ना तो एक साल का वेट करना क्योंकि अभी इसके बाद सबको एक डाउट आएगा कि मैम एग्जाम का तो रिजल्ट आ गया असाइनमेंट का कब आता है वो हमेशा एक साल बाद ही आता है और एग्ज़ाम का रिजल्ट हमेशा पहले आता है और सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट एक साथ वो अपलोड नहीं करते एक एक करके आता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ ठीक है जैसे और अभी तक आपने जिसने भी ग्रेजुएशन किया सब में क्या होता है एक साथ रिजल्ट अपलोड हो जाते हैं ना सारे सब्जेक्ट के इग्नू में ऐसा नहीं होता वो यहाँ पर हर दस दिन में रिजल्ट को अपडेट करते हैं और आपके एक एक नहीं तो दो दो सब्जेक्ट के रिजल्ट को अपलोड करते हैं एक साथ नहीं आता ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई मैम असाइनमेंट दोनों साइड में लिखने लिखने के लिए रिजेक्ट हो जाता है क्या कैसे रिजेक्ट होता है क्या पूछा आपने मैम असाइनमेंट दोन, दोनों दोनों साइड में लिखना है या वो अन साइड में दोनों साइड

ओके okay, कोई नहीं ऑनलाइन सबमिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जब तो आप ऐसे ही करोगे ना तो पता थोड़े चलेगा कभी भी असाइनमेंट बनाओ तो उसमें आपको पेज नंबर जरूर मेंशन करना है ये भी पता होगा नहीं भी पता और अगर हाथ में असाइनमेंट है तो ऊपर पेज नंबर जरूर मेंशन करना असाइनमेंट बनाया भी होगा तो पेज नंबर मेंशन करने के बाद कितने पेजेस में आपको असाइनमेंट बनाना है ये भी आपने देखा हो कम से कम ट्वेंटी टू ट्वेंटी पेजेस में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए उससे कम भी नहीं होने चाहिए हेलो मैम मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनवरी सेशन वालों की बुक्स कब तक आएंगी वो जून के बाद आएंगी फिर मैम हम अपनी तैयारी कैसे करें तब तक इन्होंने आपकी कुछ बुक्स को अपलोड कर रखा है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से आप पढ़ सकते हो ओके okay. देखो इग्नू के उस उसपे भरोसे मत बैठना क्योंकि वो बुक सारी आपको देते भी नहीं है अभी मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगी वैसे ऑलरेडी मैंने शायद किया भी है व्हाट्सअप के कम्युनिटी ग्रुप में चेक करना जिसमें आपके बुक स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो कि आपके बुक कब तक आएगी या कहाँ तक पहुंची या कौन सी वो आपको सारी बुक्स दे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है वो तो अभी आपका एक नया सिलेबस है इसीलिए इतनी बुक्स आ भी गई अदरवाइज ये भी नहीं आती और दूसरी बात आप में से इतने सब बुक की बात लेकिन बुक आप में से कोई पढ़ेगा भी नहीं जितनों के पास बुक है कोई भी एक बताओ कि जिन्होंने बैठ के उस बुक को पढ़ा होगा बताओ आप में से कितने ऐसे बुक का वेट करते सब लेकिन आप में से कोई उसे देखता भी नहीं होगा या स्टार्टिंग में देख भी लिया तो उसके बाद वो बंद हो जाती है बताओ किस किस आप नोट से पढ़ता है आपके नोट से पढ़ता है ठीक है वो जो जिसके पास है वो पढ़ते हैं ना बाकी जो नहीं है उनकी बात कर रही हूँ नोट से तो आपका काम हो ही जाएगा लेकिन वैसे मैं औरों की बात कर रही हूँ देखो इग्नू की बुक से अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत ही वास्ट है हम उसे पढ़ते रह जाएंगे तो उसे कोई फायदा होता नहीं है बट हाँ अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो लाइक यूजीसी नेट यूपीएससी तब आपको ये बुक हेल्पफुल होगी तो वो सब इसको रीड कर सकते हैं बस और कोई डाउट नहीं है किसी को गुड मॉर्निंग मैम गुड इवनिंग मैम वो मेरा जेएनयू का पिछला ईयर का कटअप था तो आर सो आर एसएथेटिक का वो कंप्लीट हो गया है लेकिन एमयू जो मगध यूनिवर्सिटी बिहार का है उसमें से अभी हम लोग का पार्ट सेकंड और थर्ड का मार्कशीट नहीं मिला है मैम तो दिक्कत होगी आगे चलकर अच्छा तो आपका थोड़ा अलग ही डाउट है हां वो इसके अभी तो जो आंसर की आया है ना मैं मुझसे रिलेटेड है यस यस सीयूईटी बेस्ड आप पूछ रहे हो हाँ जी तो क्या डाउट पूछा आपने ये आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर लेना तब मैं आपको बता दूंगी ठीक है अभी यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारे डाउट चल रहे हैं सॉरी मैम नहीं इट्स ओके बट आप मुझे मैसेज कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगी मैम मैं क्या वो बता, बता ही देते कह रहे हैं कि जैसे मेरा मार्कशीट है से एमयू अभी यूनिवर्सिटी से पार्ट सेकंड और थर्ड का नहीं दिया है तो एडमिशन हो जाएगा हाँ हो जाएगा बट कब तक मतलब आपके पास एक दो महीने में कोशिश करना कि आपके पास वो हो ठीक है वो, वो काउंसलिंग फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो उस टाइम मतलब जरूरी नेसेसरी रहना चाहिए डाउट आप पूछो मैंने आपके डाउट को क्लियर कर भी दिया आपने पूछा है कि दिसंबर में जो एग्जाम है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रीवियस ईयर तो बहुत काम की चीज है आपकी लास्ट फाइव ईयर प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाता ठीक है हेलो मैम हेलो मैम अगर मैंने सिक्स पेपर का फॉर्म फिलअप कर दिया एग्जाम फॉर्म लेकिन थ्री पेपर का एग्जाम देना चाहती हूँ कोई प्रॉब्लम होगा क्या मैम नहीं चेंज कर कोई। चेंज नहीं है आपकी चॉइस है आप कितने भी एग्जाम दो बाकी क्या बाद में दे सकते maim, हो मैम अगर फॉर्म फिलअप हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम आग... नहीं है तो चेंज कर सकते हैं ना मैम चेंज क्या करना है इसमें आपको चेंज नहीं करना नहीं, नहीं नहीं आपने सिक्स सब्जेक्ट का फिल किया है पेमेंट तो आपकी गई वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी बट आपकी चॉइस है आप कितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो बाकी जो नहीं दोगे वो दिसंबर में दे देना और तब आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा ओके हम यस yes, पेमेंट करनी पड़ेगी और दोबारा एग्जाम फॉर्म एग्जाम फॉर्म के एग्जाम फीस का यही है कि अगर आपने फिल कर दिया रिटर्न नहीं मिलता और दूसरा आपको जब भी दोबारा दोगे तो दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती है ओके okay. ठीक है, okay. है? पैटर्न जैसा होता है कि तीन क्वेश्चन करने होते हैं बीस बीस नंबर के फाइव क्वेश्चन करने होते हैं

वैसे तो ट्वेंटी सिक्स होते हैं, लेकिन वो फ्रंट पेज होता है जिसमें आपको अपना नेम रोल नंबर और ये सारी चीज़ें फिल अप करनी होती है उसके बाद जो पेज स्टार्ट होते हैं वो थर्ड पेज से स्टार्ट होगा और ट्वेंटी सिक्स तक जाता है तो ओवरऑल कितने पेजेस हुए ट्वेंटी फोर ठीक है तो पहली चीज कि आपको वो पूरे के पूरे ट्वेंटी फोर पेजेस को फिल करना है अब आपको आंसर आता भी होगा नहीं भी आता होगा तो भी करना है अब वो आपको कैसे करना है वो आप लोग देख लेना पहली चीज हमें ये करनी है अगर आपने एक भी पेजेस कम लिखे क्योंकि देखो सबसे पहला सब्जेक्ट का एग्जाम मैक्सिममली ही सभी के साथ होता है इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी फर्स्ट डे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो नाइनटीन से ट्वेंटी पेजेस ही फिल हो पाते हैं बाकी के पेजेस रह जाते हैं और फर्स्ट डे का एग्जाम होता है तो स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं होती हमारी है ना तो सबसे बात कि अगर ऐसा हुआ मतलब 19 से 20 पेजेस में अगर आपने अपने असाइनमेंट आई मीन एग्जाम के आंसर को किया ना तो आपके मार्क्स फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव के बीच में ही देखेंगे उससे ऊपर तो नहीं आने वाले तो पहली कोशिश कि हमें पूरे पेजेस को फिल करना है दूसरी बात कि हम जब एग्जाम को लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग में जो ट्वेंटी मार्क्स का होगा आपको कोशिश पूरी करनी की ट्वेंटी मार्क्स के आंसर को हम फाइव पेजेस में करें आगे पीछे करके है ना ट्वेंटी फोर पेजेस है ना उसके अकॉर्डिंग में बता रही रहे हूं। तो फाइव पेजेस में ही आपको अपने को ना उससे कम, ना उससे क्योंकि में जो ट्वेंटी मार्क्स का अगर आपने ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपको फाइव पेजेस में करना जो कि आप ये अपने असाइनमेंट में भी इस चीजों को फॉलो किया होगा और नहीं किया तो यही चीज फॉलो करनी है अगर मैम टेन मार्क्स का हाँ उस पर आ रहे हैं अभी जितनी बातें बताई पहले उसे ठीक है यहाँ तक क्लियर है कि ट्वेंटी मार्क्स का आएगा तो हमें फाइव पेजेस तो कैसे भी करके लिखने ही लिखने उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें टेन मार्क्स की अगर आपने शॉर्ट नोट को चॉइस किया है उसको अटैम्प करने की कोशिश अगर आपको लगे तो आपको क्या करना है कि दोनों शॉर्ट नोट मिला करके फाइव पेजेस में आप अपने आंसर को कम्प्लीट कर सकते हो ठीक है अगर उतना भी नहीं हो पा और ऐसा भी कर सकते हो लाइक मान लो कोई एक शॉर्ट टॉपिक अगर हमने कोई भी क्योंकि आपको पता है उसमें ना फोर्थ क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें से आपको कोई भी दो क्वेश्चन को अटैम्प करना होता है तो शॉर्ट नोट में जो भी दो क्वेश्चन अटैम्प करोगे एक अगर आपको ज्यादा नहीं आता है लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज्यादा लेंदी नहीं होते बहुत ही कम होता है तो आप दो पेजेस में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो ठीक है वहीं अगर हम बात करें

और आप में से ऐसे बहुत होंगे जो दो एग्जाम में अपने आंसर सीट में दोनों साइड लाइन भी करते हैं तो दोनों तरफ लाइन नहीं करके सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे करना है राइट पे मत करना अगर आपने ये किया तो सबसे पहले टीचर मार्क्स वही नहीं देते ठीक है तो हमें सिर्फ वैसे तो आई थिंक उसमें लाइन होती है शायद ठीक है अगर नई भी होगी तो एक ही तरफ करनी दोनों साइड आपको नहीं करना है अच्छा और लिखना कैसे है इसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपने जो भी अपने असाइनमेंट में लैंग्वेज चूज़ की होगी ठीक है एग्जामिनेस जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा मे बी किसी किसी का लैंग्वेज कुछ और होगा लेकिन उन्होंने असाइनमेंट किसी और लैंग्वेज में भी बनाया होगा असाइनमेंट जिस भी लैंग्वेज में लिखा है मीडियम में उसी में आपको अपना एग्जाम भी देना है वो चेंज नहीं कर सकते ठीक है अब लिखना कैसे है पूरी कोशिश करना कि अपने आंसर को पैराग्राफ में मेंशन करना और अपने आंसर में जितने ज्यादा हेडिंग्स यूज कर सको उनको करना है ठीक है जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी एक टॉपिक होता है उस टॉपिक में बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं लेकिन हम क्या सोचते हैं टेन मार्क का क्वेश्चन है सारे हेडिंग्स को सॉल्व करके क्या करेंगे कम को करते हैं बात बन जाएगी कोशिश करो हेडिंग्स सारे याद करो और उसमें जो भी चीजें उसे कम लिखो यानी उसे कम एक्सप्लेन करो बट हेडिंग्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करना नेक्स्ट अगर हम देखें जितनी इम्पोर्टेंट import, चीजें आपकी ना उसको अंडरलाइन करो जितने टाइम पीरियड हिस्टोरियंस इतिहासकार इनके नाम याद कर सको तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती उनका उनको स्पेशली मेंशन करना है रही बात मैप की असाइनमेंट में तो मैप बनाने की नीड नहीं है एग्जाम में अगर बना सको तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमें बीच में अपने बना दिया और खूब बड़े बड़े से मैप बना दिए ऐसी गलती भी नहीं करनी ये मैंने अपनी क्लास में भी बताया कि हमें क्या करना होता है साइड में बॉक्स के अंदर आपको बताना है जब आपका एग्जाम पास में आएगा ना तो एक दोबारा से डाउट सेशन रखूंगी तब क्लासेस जूम ऐप पर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको वो चीजें करनी है आज तो अभी लिख नहीं सकते इस क्लास में उसमें लिख सकते हैं तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है अब अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट्स भी बना रहे होंगे आप में से बहुत तो नोट्स को पूरी कोशिश करो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि वो आंसर फाइव पेजेस से ऊपर रहो चलो नोट्स में फाइव से चलो सिक्स में भी अगर आप चले गए उससे ज्यादा बता के जाना क्योंकि हमें वही पढ़ना है लेकिन बेटर देखो क्या होता है कि हमें अगर नोट्स करना है तो अब हम पूरे फाइव पेज याद करके तो नहीं जाएंगे एग्जाम में ना हमें इतना कोई याद होता मेन मेन चीजें उठाओ और वो चीज मेंशन कर लो मतलब उसे उसे याद रखो कहानी तो आप लोग वैसे भी लिख लोगे स्टोरी सबको पता होती है ठीक है चाहे वो आपका इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो भी चीजें हम बता सकते हैं ठीक है है शॉर्ट 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 नोट आंसर्स में 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 हमें इंट्रोडक्शन या वगैरह अच्छा, लिखनी होती आंसर भी इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए कभी भी कोई भी टॉपिक आपसे पूछे चाहे वो ट्वेंटी मार्क्स का हो चाहे वो टेन मार्क्स का हो अगर पूरी कोशिश करना कि आप अपने आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन जरूर लिखना अब वो चाहे दो लाइन का लिखो आप चाहे तीन लाइन की वो आपकी चॉइस है लेकिन इंट्रोडक्शन की हेडिंग दिख गई वही बहुत बड़ी बात है तो वो आपको लिखना होता है अब वो आपसे कुछ भी पूछे। answer में हाँ, में ओनली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और मेन बॉडी ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं right? हाँ तो ये चीज आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी होते हैं बस शॉर्ट में क्या होता है कि हम उस टॉपिक को थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हैं ट्वेंटी मार्क्स में क्या होता है हम उससे ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं हाँ देखो तो ये पहली चीज कि आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना पहली चीज यही बताई कैसे भी करके पूरे ट्वेंटी फेर फोर पेजेस को फिल करना है लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन हम वही अटेम्प्ट करते हैं जो बहुत अच्छे से आता है ठीक है लेकिन मान लो बाय चांस ऐसा हो सकता है कि फिफ्थ क्वेश्चन हमें ना आता हो या भी तो उसमें आप लेकिन बेसिक सी नॉलेज तो सभी को होती है कि उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब लिख देना लेकिन अगर आपके कोई भी एक ऐसा आंसर है कि आपको लगता है कि बस मैंने एक स्टोरी लिखी है उतना वो श्योरिटी नहीं है तो उसमें जैसे इग्नू की बुक में है ना डायरेक्टली ब्लू पेन से लिखना है कोई भी अंडरलाइन मत करना कुछ मत करना और डायरेक्टली लिख देना तो मार्क्स तो उसपे जरूर मिलेंगे तब उसमें एट ट्वेंटी में से एट मार्क्स नहीं तो ट्वेल्व इतने मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन टेन क्लीन लिखना ताकि सामने वाले टीचर्स को भी बताना चले ना देखो रीड कोई नहीं करता इतना आप में से कुछ भी मे बी टीचर होंगे जो स्कूल में पढ़ाते भी होंगे तो हमारे किसी टीचर पे इतना टाइम नहीं है कि आपके एक एक पेजेस को चेक करेंगे मेन होता है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपने उसको किस तरीके से वहां पर मेंशन किया है बस उसी से हमारे स्कोर आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करो स्टोरियंस सारे तो नहीं याद कर सकते ऑब्वियसली जितने भी कर सको उसको मेंशन करो टाइम पीरियड याद जितने हो जाए वो करो नहीं हो रहा तो सेंचुरी में लिखो ये मैं अपनी क्लास में भी बताती हूँ कि टाइम पीरियड हिस्ट्री या टाइम पीरियड नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा चलो सारे टाइम पीरियड और बाई चांस कभी कभी हम टाइम पीरियड भूल भी जाते हैं याद तो करके जाते हैं वहां भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी लिख दो फिफ्टी सिक्स का फिफ्टी सेवन तो वो गलत हो जाएगा फिर तो मार्क्स जाने ही जाने तो उससे अच्छा है कि आप उसको सेंचुरी में लिखो क्योंकि सेंचुरी की नॉलेज तो सबको है इतना तो अप्रॉक्स हमें याद होता है ना कि हम सिक्सटीन फिफ्टी फोर की बात कर रहे हैं या एटीन फिफ्टी सेवन की तो सेंचुरी आप जरूर उसमें लिख सकते हो किसी भी आंसर में किसी भी टॉपिक में अगर और उसकी बुक भी मेंशन होते हैं ना बहुत सारे टॉपिक्स में कोशिश करो कि वो भी अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर पाओ सारे क्वेश्चन में नहीं कह रही मैं पूरे फाइव क्वेश्चंस में यही चीजें करो कम से कम दो से तीन क्वेश्चन में तो हम कर ही सकते हैं मैप भी जरूरी नहीं है पूरे फाइव क्वेश्चन में मैप बना के आना है एक भी क्वेश्चन में अगर आपने कर लिया तो आप उसमें कर सकते हो और पूरे मैप बनाने की भी नीड नहीं क्योंकि है क्योंकि ऑब्वियसली सबको मैप बनाना आता भी नहीं है अगर हम इंडिया के साउथ पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिर्फ डकिन पार्ट यानी जो आपका साउथ वाला एरिया उसको ही बनाकर सिर्फ वो शो कर सकते हेलो मैम यस मैम जैसे अभी हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं है या फिर हमें एग्जाम के लिए हम तैयारी करेंगे तो ये है कि हम गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर जो हमने बीए में नोट्स वगैरह बना सकते हैं हमारी जो बुक्स है बीए वगैरह की हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं ना बिल्कुल ले सकते हो हाँ भी में भी कोई नहीं, नहीं नहीं कोई इशू नहीं अच्छी बात है कि अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये कहीं नहीं है कि आपको इग्नू की बुक से ही करना है बट मैंने आपको क्या बताया कि बस उस बुक्स में क्या है कि एक आध चीजें लाइक बुक्स एंड ऑथर है तो कुछ चीजें वो ऐड कर देते ना क्योंकि वही तो चीजें होती है बाकी तो स्टोरी होती है स्टोरी तो टीचर पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो मेन चीज चेक करता है कि हमने बच्चे ने क्योंकि मास्टर्स कर रहे हैं ना स्कूल के लिए कुछ भी लिख दिया मास्टर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है थोड़ा आंसर भी उस लेवल का होना चाहिए इसीलिए सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है अदरवाइज तो हम स्कूल की तरह भी कर सकते हैं लेकिन मार्क्स भी फिर वो तो उसी तरीके से ही देते हैं सेवन से एट इससे ऊपर नहीं जाएंगे ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो सात से आठ मार्क्स ही आपको मिलेंगे अगर ऐसे ही हमने लिखा सिर्फ एक स्टोरी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई तब ऐसा होता है और अपने आंसर की स्टार्टिंग पूरी कोशिश करो कि अच्छी करना क्योंकि टीचर स्टार्टिंग तो दिखी जाता है ना स्टार्टिंग के दो लाइन अच्छी लगी तो मार्क्स मिल जाते नहीं लगी तो फिर वो आगे का पढ़ेंगे ही नहीं चाहे आपने बीच में कितनी अच्छी स्टोरी लिखी हो उससे टीचर को कोई मतलब नहीं होता स्टार्टिंग में अच्छा लिखना होता है मेन हमें ठीक है हेलो यस yes, पूछो मार्क या ट्वेंटी मार्क में दोनों में दोनों में इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है क्या बिल्कुल लिख सकते हो तो अच्छी बात है नहीं भी लिखोगे तो क्या कर सकते हैं मैंने आपको क्या कहा इंट्रोडक्शन अब आप कोई भी टॉपिक पढ़ कर जा रहे हो मान लो आप मौर्यन पढ़ रहे हो दिल्ली सल्तनत मुगल्स इतना सभी को पता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है कि उसके फाउंडर कौन है या फिर लास्ट रूलर कौन थे और बीच में इस इस एम्पायर ने अपना एक्सपेंशन या विस्तार कहाँ तक किया ये सारी चीजें बतानी होती है या फिर अगर वो तो और ये भी मेन है ना कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मतलब बाई चांस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पूछा तो फिर बीच में आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें ऐड कर दोगे फिर आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करोगे जी मैम तो कंक्लूजन की बात करें तो आप लोगों के ऊपर है जितनी कोशिश कर सको जरूरी नहीं है कि सारे फाइव क्वेश्चन में कॉन्क्लूजन ही दो जितने क्वेश्चन में दे सकते हो अगर आपको लगता है तो कर सकते हो कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंक्लूजन भी मैंशन कर दें नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं लेकिन कुछ में तो सकते। अगर आप सारे दो यूनिट से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है जैसे कि पर्शियन एम्पायर वाला चैप्टर ले लिया या फिर जो रोमन एम्पायर वाला है हाँ इनमें से अगर बना दिया एक क्वेश्चन बना दिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे थोड़ा आइडिया तब तो दोनों को ऐड करके देंगे ना कि हमारे पर्शियन एम्पायर की शुरुआत तब हुई थी ग्रीक की तब हुई थी और हमें दोनों ही समय पे स्लेवरी सिस्टम या इनके ये चीजें देखने को मिलती है पर्शियन में हम ये चीजें देखते हैं कुछ भी ले लो या फिर मान लो कि ग्रीक और रोमन ले तो ठीक है, है? मान लो ग्रीक और रोमन कई बार क्वेश्चन भी आए इसके स्लेवरी सिस्टम पूछा जाता है कि यहाँ पर दास जो होते हैं इनके हालात या कंडीशन कैसे थी तो आप उसमें क्या बताओगे ग्रीक एम्पायर तो पहले ही आया था रोमन एम्पायर उसकी बात की बात है तो ग्रीक में एथेंस और स्पार्टा के थ्रू हम स्लेव्स की कंडीशन को देखेंगे और रोमन में तो है ही तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में हम क्या देखेंगे कि दोनों में स्लेव्स की कंडीशन थोड़ी अलग है ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है तो सेम ही फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वो अगर आपने पढ़ा होगा तो बता पाओगे नहीं पढ़ा होगा तो अलग बात है ओके मैम थैंक यू मतलब दोनों एम्पायर को हम ऐड कर सकते हैं जैसे अभी आपका वन टू है आपके असाइनमेंट में आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है रेनेसांस और इनलाइटनमेंट दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके yes, पूछा है जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है तो रेनेसांस एनलाइटनमेंट दोनों टॉपिक क्लियर है तो ऐड करके भी खुद से कर पाओगे तो मास्टर्स कर रहे ना मैंने आपसे क्या कहा सेपरेटली हमने पढ़ा तो यहाँ पर यही चीज़ तो चेक होती है कि ये नहीं है कि हमने सिर्फ याद किया और जाके लिख दिया मेन चीज़ है वहाँ पे चेक होता है कि हमें कितनी नॉलेज है क्योंकि चीजें तो देखो हमें भी पता है ना जो टीचर होते हैं उन्हें पता है रेनेसांस एनलाइटनमेंट क्या होता है तो वो क्यों पढ़ेंगे मेन है कि आपने इन दोनों को ऐड करके किस तरीके से लिखा सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है जैसे स्टोरियन हिस्ट्री में देखो कोई भी एक स्पेसिफिक पर हम किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते तो इसीलिए हम अलग अलग स्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी बनी रहेगी क्योंकि ना हम थे पास्ट में ना हिस्टोरियंस थे तो जिसको जो लगता है वो सबके अकॉर्डिंगली आज हम उन चीज़ों को मैंशन मतलब मैंशन करते हैं किसी भी टॉपिक में वो तो यही चीज़ चेक होती है इसलिए इन्होंने ऐड कर दिया फ़ाइव में अगर आप देखोगे फाइव और टू टू तो वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसकी वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी है वो कर सकते हैं जिसकी नहीं है तो मार्क्स उसमें सबसे ज़्यादा कम टू और फाइव में आते हैं वैसे किसी किसी के वन और फोर में भी आ जाते हैं फाइव में क्यों आते हैं क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री है और वास्ट सिलेबस है इसमें कोई डाउट नहीं है बट चलो अब तो सेपरेट हो गया तो ईजी हो गया अब तो आपके दो बुक्स हो गई अदरवाइज़ पहले आप में से कोई शायद ओल्ड सिलेबस का भी होगा तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा यूनिट्स है और कहीं से कुछ भी आ सकता है टॉपिक है फिर उसके अंदर सब टॉपिक है और उसके अंदर भी हैडिंग तो उसके भी पार्ट उसमें से आते तो हम इतनी चीज़ें कहाँ से पढ़ेंगे तो बेसिक इसमें यही है इंडियन हिस्ट्री की इकोनॉमी की जिसको नॉलेज होगी वो इसको ईजिली से सॉल्व कर पाते बाकियों को तो प्रॉब्लम हो ही जाती है ठीक है तो इस तरीके से आपको हाँ एग्जाम तो ऐसे लिखना है बाकी जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे एक बार आउट आउट सेशन तब मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊंगी कैसे लिखना है क्या करना है तब तक पढ़ो और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है टेन मार्क्स शॉर्ट नोट के प्रिपेयर कर लो तो उतने ही बनाओ नोट्स एक्स्ट्रा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होगी पढ़ने में ठीक है असाइनमेंट अब... में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं है, बिल्कुल सारे तो नहीं आएंगे कुछ आ जाएंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं जैसे अभी आपके जितने भी नए सेशन क्यों कुछ नए-नए टॉपिक्स ऐड हुए ना तो नए टॉपिक्स ऐड हुए तो असाइनमेंट की हेल्प से वो नए-नए कुछ सारे तो नहीं दिए उन्होंने भी तो कुछ वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है बाकी अभी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी सारे में किस किस सब्जेक्ट मतलब हर एक चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको करना है दूसरी बात एक चीज और कि सब कुछ पढ़ने में मत लगे रहना कोशिश करना कम पढ़ो लेकिन अच्छा करना क्योंकि हम सब सारे क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं और हमें फिर प्रॉब्लम होती है और हम सबके चक्कर में सब रह जाता है ऐसा होता है ना तो बेटर है कि हम कुछ करें जो हमें पता है कि हर साल इस टॉपिक से तो हमें मिलेगा ही तो उसे हम क्यों ना अच्छा करें जी मैम ठीक है जो बाद क्लास बाद हाँ, देखो जितने भी क्लासेस जो क्लासेस ज्वाइन नहीं जो जिसने क्लासेस लिए क्लासेज उन्हें तो ऑब्वियस है पूरे दस के दस क्वेश्चंस आते ही होंगे तो उनकी चॉइस है कि वो फाइव क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं बट जो क्लासेस जिसने नहीं, नहीं ली तो आपको क्या करना है जो मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में उस चीजों को फॉलो करना उसके अकॉर्डिंग पढ़ना सब मत पढ़ना कि सब पढ़ के जाएंगे पूरे 35, 36 यूनिट जितने तो ऑब्वियस तो है यस जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से आगे तक जो भी लेगा आपको अभी कुछ नहीं बनाना अभी आपको सिर्फ बैठना है और आराम से अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कहीं से भी लेकिन अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप असाइनमेंट सेप्टेम्बर से बनाना स्टार्ट करना ओके मैम ठीक है लेकिन असाइनमेंट यही बनाना है जो अभी अब दिख रहा है आपको वेबसाइट पे मैम जून वालों का रिजल्ट कब आएगा अभी जो एग्ज़ाम दोगे पहले एग्जाम तो दिया हो जून में एग्जाम दोगे जुलाई से रिजल्ट का अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ना अभी रिजल्ट एक साथ नहीं आता तो इसके बाद बहुत सारे अपसेट हो जाते हैं परेशान मैम एक ही का आया बाकी का नहीं आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके होगा तो हर हफ्ते ही अपने या दस दिन में रिजल्ट को अपडेट करते रहते तो आपको बस चेक करते रहना कि आपके मार्क्स आए या नहीं तो उसमें परेशान मत होना वो आ जाएंगे असाइनमेंट के मार्क्स एग्जाम के बाद आते हैं यानी अभी अप्रैल में सबमिट कर रहे हो तो अगली साल तक वेट करना मैम हमें से 105 और 107 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो कब तक आ जाएगी बस अब एक साथ सारी सब्जेक्ट्स की आएंगी ओके मैम ठीक है और कुछ पूछना है डाउट या फिर हम अपने क्लास को एंड करें ओके okay. okay, भी क्लास को एंड करते हैं और जब हमारे एग्जाम होंगे उसके वन वीक या फिर देखते हैं कब तो एक और डाउट सेशन कर लेंगे जिसमें किस तरीके से एग्जाम हमें लिखना है तब तो बात करेंगे ठीक है तो ओके गुड नाइट थैंक यू मैम